नमस्कार प्रणाम सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। दोस्तों, सहारा भुगतान से रिलेटेड लगातार आप लोग कई खबरें देख रहे होंगे। पिछले लगभग एक सप्ताह से अनेक प्रकार की नई से नई अपडेट आ रही हैं। संसद में भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है सहारा भुगतान को लेकर के। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि कागज लेके आओ, पैसे लेकर जाओ। किस प्रकार से कागज लेकर आएं और पैसे लेकर जाएं, अब क्या बाकी रह गया है, इसको लेकर कोई बात नहीं समझ में आ रही है। उसी के समक्ष गणेश सिंह ने सहारा भुगतान पर काफ़ी उन्होंने भी नोकझोंक की और उसके दो दिन के बाद में श्री सुदामा प्रसाद आरा के सांसद हैं श्री सुदामा प्रसाद, इन्होंने कुछ दिन पहले सहारा भुगतान से रिलेटेड सहकारिता मंत्रालय से कुछ प्रश्न किए थे भुगतान को लेकर। उन्होंने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से अभी तक कितना भुगतान हुआ है, अगर जितना हुआ है तो उसका पूरा ब्यौरा दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो इसका कारण दीजिए। उसकी भी लिखित जवाब आया था, उसको भी जानकारी आपने सुनी होगी। लेकिन उन्होंने जो 7 तारीख को अपना बयान दिया है भुगतान को लेकर के आवाज़ उठाई है, उसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता बंधु हैं सभी का भुगतान सहारा के कार्यालय से मिलना चाहिए, सहारा के ब्रांच से मिलना चाहिए, सहारा के ऑफिस से मिलना चाहिए। बेचारे गरीब मजदूर, श्रमिक मजदूर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, कंपनियों में काम करने वाले, सड़क के किनारे रहने वाले लेबर मजदूर वर्ग के लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में अपनी गाढ़ी जीवन की कमाई का पैसा सहारा इंडिया कंपनी की अलग अलग सोसाइटियों में जमा किया था। उनका अभी ये पैसा फंस गया है, सब सरकार के अंडर में है, लिखा पढ़ी में है। लेकिन ये पोर्टल के बारे में उन लोगों को समझना बहुत ही भ्रमक बात लग रही है और पोर्टल की नीति भी यही है कि भुगतान न दिया जाए, सरकार की भी यही नीति है। तो इससे बेचारे सभी जमाकर्ता बंधु परेशान हैं, सभी का पैसा पोर्टल के माध्यम से नहीं बल्कि सहारा के ऑफिस से मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने सदन में कही। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद उनकी वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखी भी होगी, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी कहना है कि जितने भी हमारे देश के सहारा पीड़ित हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सभी का भुगतान सहारा के ब्रांच से यानी काउंटर के माध्यम से होना चाहिए, ऑफलाइन भुगतान होना चाहिए। जिस प्रकार से पहले लेन देन चलता था सेम उसी प्रकार से होना चाहिए। इसी खबर के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।